टाइपिंग टेस्ट को लेकर के ऑलवेज मुझे क्वेश्चन आती रहती है कि क्या 1 महीना सफिशियंट होगा, क्या 1 महीने में स्पीड अच्छी हो सकती है, टाइपिंग कैसे की जाए, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, 1 महीने में टाइपिंग को बहुत अच्छा कैसे किया जाए। तो आज इन सारे क्वेश्चन जो आपके ऑलवेज मुझे आते रहते हैं, इस क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाली हूँ। यानी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना टाइपिंग को लेकर के, वो पूरी तरीके से मैं आज इस वीडियो में सॉल्व कर डालूंगी। टाइपिंग टेस्ट की जहाँ तक बात हो गई, 50 मार्क्स के होंगे आपके। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 out of 50 है। अगर 25 से आपके कम आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, इनफैक्ट आपकी कॉपी भी जांच नहीं की जाएगी। ये तो बात हुई पासिंग मार्क्स की, आपको कितना लाना है उस हिसाब से आपने सोच लिया। 25 से ऊपर ही लाने का हमेशा सोचिएगा। इनफैक्ट 45 भी, बहुत लोग अगर आप देखेंगे जो सेलेक्टेड पर्सन है वो 45 तक उनके मार्क्स आ चुके हैं। तो आप जान सकते हैं कि टाइपिंग उतना, जितना आप हार्ड सोच रहे हैं उतना टाइपिंग हार्ड नहीं होता है। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन हो रहा होगा, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि टाइपिंग क्लास स्टार्ट कर दिए होंगे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। किसी भी टाइपिंग क्लासेस की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि टाइपिंग को कैसे सही किया जाए। तो लैपटॉप तो होगा ही आपके पास में, एक कीबोर्ड लाइए घर पे, और कीबोर्ड भी होगा ही। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तैयारी के फील्ड में हैं और आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो आपके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो आप उसको टाइप करिए। अब आपको क्या टाइप करनी है, 500 वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में टाइप करनी है, ठीक है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो बहुत इजी है, 25 वर्ड्स तो आप लोग टाइप कर ही लिए होंगे, और सब चीज़ें पॉसिबल होती है अगर आप करना चाहें, अगर आपके पास विल पावर अच्छी है, अगर आप एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हैं, तो ईमानदार हैं, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। 2 से 3 घंटा अपने स्टडी के बाद 2 से 3 घंटा दीजिए टाइपिंग को, और टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 महीना क्या, 20 डेज में आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको टाइप करनी है घर में, मैं जो घर में तैयारी कर रहे हैं और जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट की क्लासेस नहीं लिए हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो आपको टाइपिंग करने के लिए जो मिलता है वो हाई कोर्ट की कोई केस स्टडी आपको दी जाती है कि आप इसको टाइप करिए इंग्लिश वर्ड में, ठीक है। तो आप हाई कोर्ट के साइट पर जाइए, वहाँ से कोई केस स्टडी उठाइए, डाउनलोड करिए, और उसके बाद उसको टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए, जो भी चीज़ आप पढ़े हुए हैं, मान लीजिए कि मैंने कल एग्रीकल्चर डाला, एग्रीकल्चर अब वर्ल्ड और इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी हो चुकी होगी। नहीं हुई है तो फटाफट जानकारी लीजिए, क्योंकि स्पेशली इसको मेंशन किया गया है, क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ से देखने को मिले हुए हैं। तो उसको अगर आपने पढ़ लिया होगा तो उसके बाद उसको टाइप करना शुरू करिए कि कैसा फसल होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए किसी फसल के लिए, उसको कितना तापमान की आवश्यकता होती है इस तरह की खेती के लिए, कैसा कैसा सिस्टम है हर जगह पर, जैसे विश्व में अलग अलग जगहों पर कृषि की अलग अलग पद्धति होती है, कैसा कितना वर्षा कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जानकारी है पूरे क्लाइमेट रीजन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हो चुकी होगी एग्रीकल्चर के बारे में। अब उसको टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है ना वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। बचपन की बातें आपको याद है कि हमेशा हम लोग सबको टीचर्स जो है या फिर पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि जो चीज़ें पढ़े हुए हो उसको तुम लिखो। लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें हमेशा याद रहती है, और वाकई ये चीज़ है। अभी बचपन में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़े हुए थे आज तक वो चीज़ें याद है, इनफैक्ट मुझे लगता है लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रहने वाली है। तो लिखने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, इसीलिए UPSC के जो कैंडिडेट हैं वो अपना अपना नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने से सारी चीज़ें अब क्लास करके आते हैं, उसके बाद उस चीज़ को नोट्स में अपना जो भी है उसको लिखना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें अच्छे खासे तैयार हो जाती है और हमेशा वो चीज़ें याद रहती है लिखने से। तो अगर आपने कोई भी टॉपिक आज पढ़ा हुआ है सुबह से लेकर के, उसके बाद उसी को टाइप करना, उसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी है उसको फटाफट से टाइप करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको वो चीज़ भी याद रहेगी और आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी बुक उठाइए, आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट है, सिलेबस तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अपने सिलेबस को उठाइए, उसमें से कोई एक बुक उठाइए, उसको लेकर के टाइप करना शुरू कर दीजिए। और टाइपिंग करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है कि आपको पूरे कीज की जानकारी होनी चाहिए, कौन सी की कहाँ पे है, किस की का क्या यूज़ है, इस चीज़ के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और YouTube पे तो मुझे लगता है हर चीज़ बिल्कुल अवेलेबल है, आपको कहीं बाहर किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। YouTube पे ही अगर आप सर्च करते हैं कीज वर्ड के बारे में तो वो आपको अच्छी खासी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, इसको ध्यान दीजिए। दिन भर में 2 से 3 घंटा अपने टाइपिंग को दीजिए, टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 महीने के या 20 दिन में आप टाइपिंग मास्टर हो सकते हैं।
सो आई होप टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के थे वो सॉल्व हो चुके होंगे।